आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आज महाराजगंज पहुंचे, जहां प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर चौक परिसर स्थित शिव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः भारत की परंपरा है, हमने इस परंपरा का सदैव निर्वहन किया है और आज पूरी दुनिया को साथ लेकर भारत चल रहा है। लाख संकट आया हो, लेकिन सनातन संस्कृति ने सभी को संभालने का काम किया है, हमने हर मामले में बेहतर काम किया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम को हवाई अड्डे पर पैर छूकर उनका सम्मान किया है। में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज पूरे देश जो है और जो पूरा विश्व है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ एक उम्मीद की नजरों से देखता है, क्योंकि जिस तरीके से एक विदेशी देश में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां के पीएम जब भारत के पीएम का पैर छूकर स्वागत करते हैं तो आप इस तस्वीरें से कहीं ना कहीं जो भारत की लोकप्रियता है उसका दुनिया भर में अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की गई। वह इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सत्ता के सभी विधायक मौजूद रहे, लेकिन सांसद सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले और विपक्ष के विधायकों ने बैठक से किनारा किया है। बता दें कि बैठक में कानपुर रिंग रोड का मुद्दा काफी अहम रहा है। इसके अलावा कानपुर एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए सार्थक चर्चा हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहर के विकास के लिए हर एक मुद्दे पर सफल बैठक हुई है। की जाती है जिसमें कानपुर महानगर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो आम व्यक्ति की, उसके बारे में चर्चा होती है। उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकल कर आते हैं सामने। पिछली बैठक नवंबर में हुई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण थोड़ी सी लेट हो गई। आज बैठक हुई है, विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। रिंग रोड के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सारे काफ़ी लैंड एक्विजिशन हो गया, टेंडर भी अवार्ड हो गया और जल्दी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो कानपुर के विकास को लेकर आज एक अहम समीक्षा बैठक की गई, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सतीश महाना ने कहा कि कानपुर के विकास को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है, साथ ही रिंग रोड जो कि एक अहम मुद्दा कानपुर का रहा है, इसको लेकर भी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं सफल रही है। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस बैठक में शामिल हुए, जहां कानपुर के विकास को लेकर चर्चा हुई। जी हां, कानपुर को उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वही उद्योग नगरी में किस तरीके से विकास किया जाए या उद्योग नगरी का कायाकल्प किस तरीके से हो, इसको लेकर आज जो सतीश महाना है वो तमाम पदाधिकारियों, तमाम नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आए। तो उसमें कानपुर की महापौर ने भी इस बैठक में शिरकत की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आज कानपुर के कायाकल्प को लेकर सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिस पर इस बैठक में चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि कानपुर में एक समीक्षा बैठक थी जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कर रहे थे और इस अध्यक्षता में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कानपुर के विकास को लेकर सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, उस चर्चा में मुख्यतः कानपुर रिंग रोड को लेकर बातचीत की गई थी। इसके अलावा रिंग रोड को लेकर जितने भी आगे के लिए व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं को सबकी नजर ध्यान में रखते हुए बात की गई है। साथ ही कानपुर का जो एयरपोर्ट है 26 तारीख को चालू होने वाला है, लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में एयरलाइंस कंपनियां जिस हिसाब से अपनी फ्लाइटें बंद कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ा प्रश्न इसमें उठा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष ने इस चीज को लेकर बात रखी है कि ऐसा कुछ समस्या आएंगी तो उसका भी निवारण किया जाएगा। साथ ही कानपुर में लगभग सभी पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे, लेकिन
भाजपा भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद इसमें नाराज रहे, क्योंकि लगातार एक बड़ा विवाद देखने को मिलता रहा। क्योंकि जब सतीश महाना से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण सबको दिया गया था, लेकिन एक औपचारिक निमंत्रण था, लेकिन ऑफिशियली अगर बात की जाए तो कानपुर के विकास के लिए सभी को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अरिना जिस तरीके से जो सतदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोला ने इस बैठक से किनारा किया है, तो इस बैठक से किनारे करने की जो मुख्य वजह है वो क्या है? कि इससे पहले भी कुछ समय पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में साफ साफ सी नाराजगी दोनों सांसदों की देखने को मिली थी, क्योंकि कानपुर में दो सांसद हैं और दोनों सांसद की साफ साफ नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि उनका कहना था कि एक विधानसभा अध्यक्ष या एक विधायक इस बैठक को नहीं बुला सकता है और हम सांसद हैं तो हमारा पद बड़ा होता है, जिसके चलते हमको इस बैठक में हमको अध्यक्षता करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नाराजगी दिखी वो साफ जाहिर कर रही थी कि आखिर मुद्दा शहर के विकास को लेकर ना सिर्फ अपनी गद्दी और अपनी सीट को ऊंचा और नीचा करने के चलते कहीं ना कहीं विकास से बचते हुए नजर आए, लेकिन जिस हिसाब से कानपुर के विकास और कानपुर जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी निरंतर कानपुर में विकास होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी प्रशंसनीय है। और कानपुर के जो नेता लेकिन ठीक है, अनिल 2024 का लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है, क्योंकि एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में जिस तरीके से भाजपा की अंदरूनी कलह निकल के सामने आ रही है, क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा जब नतीजे आएंगे 2024 के? तो बिल्कुल देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बता दूं कि जिस हिसाब से अभी निकाय चुनाव थे और निकाय चुनाव में कानपुर से सांसद सतदेव पचौरी की नाराजगी साफ सामने आई थी, क्योंकि वो लगातार जो महापौर प्रत्याशी कमला पांडे है उनको भी टिकट देने की बात कही थी, लेकिन एक उल्टी उल्टी खबर ये भी आई थी कि सांसद सतदेव पचौरी अपनी बेटी नीतू सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। जिस हिसाब से वो जगह जगह लोगों पार्टी में और बड़े आला नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन एंड टाइम पे कानपुर जो महापौर है उनका टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद प्रेमला पांडे को टिकट दिया गया था और इनकी नाराजगी सतदेव पचौरी की नाराजगी जब जाहिर थी, इसके बाद एक तरफ सतीश माना का खेमा और दूसरी तरफ सतदेव पचौरी का खेमा, दोनों खेमे एक दूसरे के विपक्ष में लगे हुए थे। और जिस हिसाब से लगातार पिछले कई सालों कई महीनों से जिस हिसाब से सांसदों और विधायकों की एक नाराजगी एक दूसरे से देखने को मिल रही है, खासतौर से आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में इसकी नाराजगी और जनता के बीच इसका गलत संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं इसका हो सकता है कि खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतने को पड़े। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस समीक्षा कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जहां प्रदेश अध्यक्ष बजलाल खाबरी पार्टी ने मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर चर्चा की गई, साथ ही आगामी लोकसभा की तैयारियों में भी जुटने के सभी पदाधिकारियों और नेताओं को निर्देश भी दे दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी हमारे साथ हैं। सर, आज समीक्षा बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जाएगी और क्या रणनीति बनाई जाएगी? चर्चा जो चुनाव हुए हैं, जहाँ जहाँ पर हम जीते हैं उन्हें बधाई देंगे, जहाँ हम हारे हैं समीक्षा करेंगे क्यों हारे हैं, हमें अपने लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करके अगली लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी है। बैठक में कौन कौन लोग होंगे? जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश भर से प्रदेश की कमेटी है, प्रांतीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेतागण हैं, ये सब मिला करके। हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल में आपको जीत हासिल हुई, कितना बल मिला है? काफ़ी मजबूती मिली है हमें, हमारे कार्यकर्ता बहुत तैयारी के साथ अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे। कर्नाटका में जो हमें जीत मिली है उस जीत को हम तोहफा में लेके चल रहे हैं, इससे हमें बहुत ताकत मिली है, कार्यकर्ता में एक जोश है और इस जोश को हम आगे लोकसभा के चुनाव में जीत में बदलना चाहते हैं। 24 को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? वो तो सारी तैयारी अभी मिलेगी आपको देखने को, तैयारी करेंगे और तैयारी के बाद आज तैयारी समीक्षा के साथ साथ मैं खुद ही क्षेत्र में निकलने वाला हूं और क्षेत्र में निकल करके अपनी तैयारी पूरी करेंगे हमें अंदर। जी,
तो साफ तौर से आपने सुना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खावी खा जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और नगरीय निकाय चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और लोकसभा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर आगरा से है जहां सीओडी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल कराने का मामला सामने आया है, जहां कॉलन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते अभ्यर्थी और उसके कोच को लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सीओडी की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अपनी कमीज के कॉलर में ब्लूटूथ लगा कर आया था। ताजगंज के एक होटल में रुके स्पोर्ट्स अकेडमी के कोच नकल कराने की पूरी तैयारी से भी आए थे। परीक्षा से पहले लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने अभ्यर्थी नवीन और उसके कोच जोगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे आर्मी कैंटोनमेंट के पास सीओडी की परीक्षा चल रही थी। ये आर्मी की एक तरह से भर्ती की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ मौजूद आर्मी इंटेलिजेंस टीम और जो टीम वहाँ मौके पे चेक कर रही थी, उन्होंने लोगों को डिवाइस के साथ अंदर जाते हुए पकड़ा और इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तहरीर लिखकर, मुकदमा लिखकर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जीशान हमारे साथ जुड़े हैं। जीशान, सीओडी की परीक्षा में कॉलर में ब्लूटूथ लगाकर एग्जामिनेशन सेंटर में जाने वाले अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो क्या युवक एग्जामिनेशन सेंटर में भर्ती जा रहा था या फिर चेकिंग के दौरान ही उसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, ये आर्मी कंटोनमेंट एरिया में सीओडी की परीक्षा चल रही थी, तभी जो अभ्यर्थी है वो कॉलर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर अंदर जा रहा था, तो वहीं आर्मी इंटेलिजेंस को शक हुआ और उन्होंने चेकिंग की। उसके बाद उसको थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और जो अभ्यर्थी था उसकी निशानदेही पर उस अभ्यर्थी के कोच को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद जो भी इसमें संदेह जिस भी व्यक्तियों का हुआ उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर रायबरेली से है जहां सरेनी से बीजेपी के पूर्व विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह के गुर्गे की दबंगई सामने आई है, जहां स्कॉर्पियो सवार विधायक के गुर्गे ने मुराईबाग चौराहे स्थित व्यापारियों को जमकर पीटा है और जमकर मारपीट होने के बाद भी सत्ता के दबाव में व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर नाराज व्यापारियों ने मुराईबाग चौराहे पर पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरेनी के बीजेपी के पूर्व विधायक धीरेंद्र सिंह का पुतला भी फूंका है। विरोध में व्यापारियों ने मुराईबाग चौराहे की सारी दुकानों को बंद कर रखा है, जिससे आम जनमानस को अब दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हरी कोतवाली में, भरे चौकी पे लकट्टा लहराते हुए बोल रहे हैं कि इनके गाली देकर के बात में माँ बहनों की गाली दे रहे हैं, वो लगातार प्रशासन पर भी आक्षेप लगा रहे। कौन से लोग गाली दे रहे थे? वही विपक्षी पार्टी, जिन्होंने कौन है वो गुंडे माफिया है, अभी तक पहचान करे और गिरफ्तार करें, आराबाज करें, नामों पे आराबाज दे और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो बुलडोजर संस्कृति आपने लागू की है, बुलडोजर चलना चाहिए कि गुंडा माफिया जो मिट्टी में मिला देने वाली संस्कृति है वो लागू करें, आप सब पर लागू हो, चाहे वो विधायक रहा है या ना रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या, किस मामले को लेकर कर रहे हैं? एक रणविजय सिंह लालगंज के थे और जितिन जायसवाल मुराईबाग के थे, दोनों के बीच में कुछ आपसी कहा सुनी हुई और मारपीट हो गई थी, उसी को लेकर के व्यापारी लोग नाराज थे। मेरे द्वारा मौके पर पहुँच करके दोनों को समझा बुझा करके समस्या का समाधान करा दिया और दोनों पक्षों की FIR थाने पर लिखवा दी गई है, इसकी विवेचना पुलिस कर रही है। 3 दिन के अंदर इस पर जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। खबर प्रयागराज से है जहां भू माफियाओं का आतंक बदस्तूर जारी है। जहां दलितों के जमीन पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं, वहीं हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज निवासी अनिल कुमार वर्मा का आरोप है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर भू माफिया जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बार बार धमकाया तक जा रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर भी अब सवालिया निशान खड़े किए हैं। सर है कि उन लोग भू माफिया है, हम लोग हटाना चाहते हैं यहाँ।
कौन माफिया है? और हाँ जी। अच्छा तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये सर, हम लोग हटाना चाहते हैं यहाँ से। क्यों हटाना चाहते हैं सर? वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। तो ये जमीन किसकी है? ये जमीन हम लोग की, आजा बाबा की है। अच्छा, आजा बाबा की जमीन है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की है? सर शिकायत किया है यहाँ थाने में और कचहरी में और इलाहाबाद में। हाँ। और इन लोग की पैसा एकदम पे पुलिस से मिलकर हटाना चाहते हैं हम लोग, योगी के पास जाने सोच रहे हैं। तो अगर आप सरकार से कैसी मदद चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे रखे सरकार। मामला ये है कि ये पुरानी वाली पीछे जमीन जो है, ये हमारे यहाँ मुख्तार की जमीन है और 2007 में इसका मुकदमा चला था इस पर, और मुकदमा वो लोग हार गए। हारने के बाद कहा भैया आप अपने हो जाइए, हम अपने हो जाएं। तो उस पेड़ के उस तरफ उनका है, इधर नहीं है उनका। वो अपने जोतना बोलना शुरू किए, लेकिन जब बीच में मौका मिला उनको 10 साल के बाद, मुकदमा जब हम लोग नहीं लड़े, वो भी नहीं लड़े, सुलह हो गए। तो वही हाल में करीब 1-2 साल पहले अतीक रहने वाले एक मुसलमान, वहाँ के रहने वाले चकिया के रहने वाले मुसलमान, इसको प्लाटिंग के लिए खरीद लिया। और खरीदने के बाद पहले तो नहीं बोले, लेकिन जब यहाँ बनाना शुरू किया तो इधर बढ़ा रहे थे हमारे गांव के लोगों, सब लोगों ने कहा इधर मत बनाइए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊँगा, ज़बरदस्ती बनाऊँगा मैं, और आप जो करना करिए। तो साथियों ये हम बहुत ज़बरदस्ती हो रहा, बहुत अन्याय हो रहा हम लोगों के साथ, इस परिवार से बहुत अन्याय हो रहा। मैं गाँव का भी हूँ, मैं भी इस मुकदमे में रहा हूँ 10 साल पहले। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंदलाल हमारे साथ जुड़े हैं। नंदलाल, प्रयागराज में भूमाफियाओं का आतंक लगातार देखने को मिला है और दलितों के आशियाने को छीनने का एक नया मामला सामने आया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला और पुलिस पर क्या कुछ आरोप लगे हैं? नंदलाल, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो हम नंदलाल से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दलितों के आशियाने को छीनते हुए लगातार बेखौफ भूमाफिया नजर आ रहे हैं, तो बेखौफ भूमाफियाओं का आतंक प्रयागराज में देखने को मिला है। समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए अपने वाहनों और दीवारों पर दुल्हन ही दहेज आदि स्लोगन लिखे देखे होंगे, लेकिन समाज के लोगों पर इन स्लोगनों से शायद ही कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तभी तो औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर गांव में दहेज नहीं देने पर लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए। पीड़ित लड़की पक्ष ने अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप लगाया। वही पीड़ित लड़की पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 20 मई को इटावा से औरैया के जनेतपुर गाँव में बारात आनी थी। क्या हो गया है? अब आपकी बारात नहीं आई है। क्यों? जाके मारे दहेज मांग रहे हो कि 4 पहिया को बुलर दो, कुछ दो 4 पहिया गाड़ी दो, फोर व्हीलर दो, कहाँ से जाते हैं हम लोग? तो कब शादी कब थी? 21 तारीख की, 21 मई की। तो बारात तक करो, बाकी बात प्रशासन, हम प्रधान के लगा गए सत्ता बताने में। सर बारात आम है कती 21 तारीख मई में, अभी 12 भैया को इन लोगों को सब खुशामद करेंगे। 12-1 बजे तक इंतजार करते रहे। इंतजार करो, इंतजार के बाद जब बारात नहीं आई तो ककौ जात भैया कुछ अपनों ने करो ककौ फोटो वोटो उतारी। एक बाद पुलिस बुलवाई, पुलिस बाद बुलवा के अपने थाने गए। थाने में ककौ जात मैंने कुछ मालू लिखा पड़ी करी ककौ जात। फिर उनके ससुर जी आए, उनसे बात पूछी कि क्या बात कही, हमारी कोई गलती नहीं है, मुझे तो बारात लेके आएंगे वरना बारात लेके नहीं आएगा मेरा लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। थाना कोतवाली और ये ग्राम जनेतपुर में एक बारात जो इटावा से आनी थी नहीं आई, जिसमें लड़के पक्ष द्वारा बाद में बताया गया कि बारात नहीं आ सकती है। जो है इसमें लड़की पक्ष द्वारा जो है थाने में तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो लड़के का पिता है उसको थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड और नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से चलने वाली इको वैन द्वारा हरियाणा सरकार के राजस्व को लगातार चूना लगाया जा रहा है। हालांकि प्राइवेट बसें भी अवैध रूप से सवारियां भरकर रोडवेज को नुकसान पहुंचा रही है, जिन पर समय समय पर रोडवेज महाप्रबंधक द्वारा कार्रवाई की जाती है।
लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और प्राइवेट इको वैन चालक यहां सवारियां भरने में लगे हुए हैं। बल्लभगढ़ बस अड्डे के रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि उनके द्वारा लगातार समय समय पर इन लोगों के चालान किए जाते हैं और वो लोगों से अपील करते हैं कि इन अवैध वाहनों में सफर करना खतरे से खाली नहीं होता है, जबकि रोडवेज में वो सुरक्षित सफर कर सकते हैं। बस अड्डे के बाहर इको वैन होते हैं तो लगातार सवारी बैठाते हैं, 6 से 10 सवारी हो, 12 लंबे रूट पर बैठाते हैं और आधे अधूरे रास्ते पर छोड़ जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या एक्शन होता है? देखो, जो हमारे बस स्टैंड के पास से सवारी उठाते हैं, इलीगल चलते हैं, हम इनका चलान करते हैं। हम एक महीने में कम से कम हमारे 20-25 चलान होते हैं। तो वही खबर बिजनौर से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एसपी सिटी के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अन्य पुलिस बल के साथ जर्जी परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध सामान और वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बेवजह कोर्ट परिसर में घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें हिदायत देकर परिसर से बाहर भेज दिया गया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को रखा जाता है, उसी के तहत आज COCP साहब और इंस्पेक्टर कोतवाली, हमारे कचहरी जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर साहब, इन सब को लेकर पूरी टीम ने, हमारी एस चेक वाले सारे लोग मिलकर सघन तरीके से कचहरी के प्रत्येक आने जाने वाले रास्तों को, कचहरी में एकत्रित सभी वादकारियों को जहाँ बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, इन सब स्थानों की सघन चेकिंग की गई। कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिस पर आगे कठिन कार्रवाई करनी। खबर औरैया से है, जहां शादी के जश्न के बीच विवाद हो गया, जहां डीजे को लेकर बारातियों और ग्रामीणों में डांस को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। वहीं अभी तक किसी पक्ष के द्वारा तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मामला है? ये फफून थाना क्षेत्र में जो बरातियों और ग्रामीणों के बीच में विवाद हुआ, थाना फफून क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला पाठक में रात्रि में जो है डीजे को लेकर ग्रामीण और बरातियों के बीच में विवाद हुआ था। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और वहां लोगों द्वारा जो है तहरीर थाने पर नहीं दी गई है। तहरीर के प्राप्त होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाश्ता पानी कराया, नाश्ता पानी कराने के बाद खाना खिलाने लगे, उसके बाद बारात चढ़ाने का नंबर था, डीजे बज रहा था, फिर डीजे में हमारे बराती यहाँ खा रहे थे और वहाँ पे आके वो वहाँ नाचने लगे डीजे पे। नाचने के बाद हमारे बड़ा बराती वहाँ गए, आप लोग नाच चुके, अब हमारे बराती साथ नाचेंगे। खबर बांदा से है, जहां बारात लेकर लौट रहे बोलेरो पेड़ से टकराई, जिससे बोलेरो सवार 7 में से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है और 1 का जिला अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। घटना बदौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगलनपुरवा के पास की है और ये भी बताया जा रहा है कि जयमाल के बाद कुछ बाराती लेकर बोलेरो करीब गोधनी के लिए निकले, तभी बदौसा थाना के तुर्रा के पास अचानक मवेशी के आ जाने और उसे बचाने के चक्कर में बोलेरो चालक नियंत्रण खो बैठा और बोलेरो सड़क किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये थाना तिदवारी के एक गांव के रहने वाले लगभग 7 लोग फतेहगंज क्षेत्र से एक बारात से लौट रहे थे। थाना बदौसा अंतर्गत तुर्रा मोड़ के थोड़ा आगे गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पे ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बाद में 2 लोगों का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, 3 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। और जैसे ही घटना की सूचना मिली, तत्काल जो है PRV और थाना स्थानीय पुलिस ने मौके पहुंच करके तत्काल इनको अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान से लेकर बंगाल तक देश भर के भीषण राज्य विभिन्न
जो विभिन्न राज्य है वो भीषण गर्मी से झेल रहे हैं, तो ऐसे में गर्मी से लोगों का हाल भी बेहाल हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले 48 घंटे के लिए यूपी के 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, जबकि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के साथ ही आसपास के इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। कहर लगातार देखने को मिल रहा है, गर्मी की मार से प्रदेश की जनता बेहाल नजर आई है, तो वही दो दिनों के लिए लू का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर के साथ ही आसपास के जनपदों के लिए 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।